हेलो एवरीवन माय नेम इज सुमन कुमार मोदी नाउ वी आर डिस्कस अबाउट लॉन्ग वेव डायथर्मी एल डब्ल्यू डी ये इलेक्ट्रोथेरेपी की मोडिलिटी है फ्रीक्वेंसीज की होती है जीरो पॉइंट थ्री से वन मेगा हर्ज होती है वेवलेंथ तीन सौ मीटर होती है ड्यूरेशन अराउंड थर्टी मिनट वेट होती है थ्री पॉइंट फाइव के जी पावर वेरिएबल साइज एलेवन इंटू ट्वेंटी नाइन इंटू ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर हाइट लॉन्ग एंड विथ ठीक है ये उसकी साइज हो गई लॉन्ग में बहुत छोटी होती है आप इसे पोर्टेबल होती है पोर्ट्रेट कर सकते हैं इसे ठीक है लॉन्ग वेव डायथर्मी के हम थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं लॉन्ग वेव डायथर्मी इज बेस्ड ऑन कैपेसिटर फील्ड मेथड लॉन्ग वेव डायथर्मी बेस्ड होता है आ, कैपेसिटर फील्ड मेथड पे इट कैन वर्क इन हैवी वोल्टेज फ्लैक्चुएसन ये वर्क करता है हैवी वोल्टेज फ्लैक्चुएसन में ठीक है इट इज पोर्टेबल एंड लाइट वेट ठीक है ये छोटी होती है और लाइट वेटेड लाइट वेटेड होती है मतलब हल्की होती है आप इसे पोर्टेबल मतलब ईजी होती है पोर्टेबल करने के लिए अब लॉन्ग वेव डायथरेमी पोर्ट्रेट करना चाहिएगा कर तो बहुत बड़ा होता है उसके कंपेरिजन में ये लॉन्ग वेव डायथरेमी बहुत छोटी होती है लॉन्ग वेव इज मच बेटर एंड सुपीरियर मॉडलिटी फॉर लिफिंग पेन कंपेयर टू शॉर्ट वेव एंड अल्ट्रासाउंड लॉन्ग वेव जो डायथ्रेमी है वो बहुत अच्छी होती है मच बेटर एंड सुपीरियर होती है और बहुत बहुत सही होती है ठीक है रिलीफिंग पेन के लिए कंपेयर करें तो उस शॉर्ट वेव और अल्ट्रासाउंड के कंपेरिजन में ठीक है प्रिंसिपल देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ लॉन्ग वेव डायथर्मी लॉन्ग वेव डायथर्मी इन्वॉल्व जनरेशन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रो मैगनेटिक फील्ड दैट आर कंप्राइज ऑफ बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जहां इसकी बात आ गई तो आप इसमें समझ लीजिए कि इसमें दो इन्वॉल्व ही रहते हैं दो चीज इन्वॉल्व ही रहते हैं एक तो इलेक्ट्रिक करंट इन्वॉल्व रहेगा और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ठीक है उसके कारण ये हीट प्रोड्यूस करता है ठीक है फिजोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ लॉन्ग वेव डायथर्मी देख लेते हैं दे इंक्लूड इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो डिक्रीज दे इंक्लूड इंक्रीज ब्लड फ्लो डिक्रीज जॉइंट पेन एंड अस्टिफनेस रिड्यूस इन्फ्लामेशन फास्टर रिजोल्यूशन ऑफ एडिमा एंड एक्सलरेटेड उन्ड हिलिंग इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन ये हमारा फिजोलॉजिकल इफेक्ट हो गया अलॉन्ग ल्यूडाइथर्मी का इसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है डिक्रीज करता है जॉइंट पेन में और अस्टिफनेस में डिक्रीज करता है और फिर रिड्यूज uh, करता है इनफ्लामेशन फास्टर रिजोल्यूशन ऑफ एडिमा ठीक है एंड एक्सिलर कर एक्सक्रेटेड करता है ओंड हीलिंग में ठीक है इंक्रीज जॉइंट रेंज ऑफ मोशन ये हो गया हमारा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ लॉन्ग वेव डायथर्मी नाउ वी आर डिस्कस अबाउट इंडिगेशन एंड कॉन्ट्राइंडिगेशन ऑफ लॉन्ग वेव डायथर्मी इंडिगेशन देख लीजिए ओस्टिथराइटिस अर्थराइटिस मसल अस्पाज्म बैक पेन टेंडेनाइटिस मायोसाइटिस स्प्रेन एंड स्ट्रेन इसमें इसमें हम लोग देख सकते हैं लॉन्ग वेव डर्मी ठीक है इंडिकेसर कौटा इंडिकेशन भी देख लीजिए अल्टर सेंसेशन में नहीं दे सकते हैं उन्ड ओपन ऊंड में नहीं दे सकते हैं प्रेगनेंसी में and, uh, back, back of, uh, नहीं दे सकते हैं प्रेगनेंसी में एपडोम एंड बैक बैक साइड ऑफ नहीं दे सकते वुमेन में ठीक है वेरी सीरियस प्रॉब्लम रिलेटेड टू लीवर किडनी और हार्ट ठीक है इसमें नहीं दे सकते हेमरेज हेमरेज पेशेंट में नहीं दे सकते हैं कार्डिक पेसमेकर किसी में हो उसमें नहीं दे सकते हैं मेटल इम्प्लांट हो उसमें भी नहीं दे सकते हैं ये हो गया कौंटा इंडिकेशन ऑफ लॉन्ग वेव डाइथर्मी की That's it.